हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूजफुल। और मैं आपको बताऊंगी, खासकर बिगनर को बताऊंगी कि परफेक्ट फिटिंग ब्लाउज बनाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और खासकर जो हमारी ये मेन टक्स होती है, जो हमारे हर ब्लाउज में डलती है, चाहे देखिए 4 टक्स ब्लाउज हो तब भी ये जो है डॉट हम यहाँ पर डालते हैं। प्रिंसेस कट होता है तो तब भी हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये डॉट डालते हैं। और जब कटोरी वाला ब्लाउज हम बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर भी हम एक जो डॉट डालते हैं। तो ये जो हमारी मेन डॉट होती है, चाहे हम 2 टक्स बनाएं, चाहे प्रिंसेस कट बनाएं, चाहे 4 टक्स बनाएं, चाहे 2 टक्स बनाएं, तो ये हमारी जो है मेन डॉट होती है। और इसी डॉट से जो हमारा कप साइज की फिटिंग जो है वो डिपेंड करती है। तो बिगनर बहुत बड़ी यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं ये वाली डॉट को डालने में। और कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कि इस डॉट के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि हम इसकी लंबाई कितनी रखें या इसकी चौड़ाई कितनी रखें, तो वो किसी भी नाप के लिए सेम मेजरमेंट उठा के दूसरे नाप पर भी वही नाप की जो है टक्स लंबाई और चौड़ाई में डाल देते हैं। तो ब्लाउज तो अच्छा बन जाता है, लेकिन जो उसके कप एरिया होता है, कुछ इस ये जो हमारा कप एरिया होता है, इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती। यहाँ पर कहीं कहीं जो है सल वगैरह पड़ने लगती हैं, चाहे गले की तरफ से या आर्म होल की तरफ से या फिर साइड से। तो इसको कैसे ठीक करना है, और ये वाली जो हमारी मेन डॉट है कटोरी ब्लाउज में, प्रिंसेस कट ब्लाउज में, 4 टक्स ब्लाउज में, 2 टक्स ब्लाउज में जो डलती है, ये अलग अलग साइज के हिसाब से हमें इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, ये सारे सीक्रेट टिप्स आज के कटिंग स्टिचिंग के वीडियो में आपको दे रही हूँ। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज बना पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, प्रिंसेस कट हो, कटोरी ब्लाउज हो, 4 टक्स हो, 2 टक्स हो, सिंपल हो, किसी भी तरीके का ब्लाउज हो। तो ये टक्स हमारी मेन रहती है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगी अलग अलग चेस्ट साइज के हिसाब से आप इस डॉट की जो है लंबाई और इसकी चौड़ाई कितनी रखें, जिससे आपका जो ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल पर अभी नए आए हैं तो जल्दी से निर्मला फैशन वर्ल्ड को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ऐसे ही प्यारे प्यारे कटिंग स्टिचिंग के वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मैंने ड्राफ्टिंग करके रखी है, ये जो है 32 इंच की मैंने ड्राफ्टिंग कर रखी है। इसका फिटिंग का जो है मैंने यहाँ 8 इंच पे निशान लगाया है, और ये 32 चेस्ट साइज की जो है मेरी ड्राफ्टिंग हुई है। तो बस 32 चेस्ट साइज में मैंने ये जो डॉट है वो कितनी ली है, पहले मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 3 इंच रखी है। तो देखिए, ये 3 इंच इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2.5 इंच है, यानी 1 इंच से बस 1/4 ज्यादा मैंने दोनों डॉट की तरफ इसमें मार्जिन लिया है। अब अगर इसमें मैं ज्यादा मार्जिन ले लेती हूँ, जैसे अगर ये जो है टोटल मेरी 2.5 इंच की है, अगर मैं इसको 3 इंच की बना दूंगी, इस तरफ 1.5 इंच और दूसरी तरफ भी 1.5 इंच करके टोटल अगर 3 इंच की लगा दूंगी, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा फ्रेंड्स, है तो ये 32 चेस्ट साइज का, और अगर यहाँ पर मैं ज्यादा डॉट लगा दूंगी कुछ इस तरीके से, तो डॉट लगने के बाद जो कप एरिया है वो बहुत ज्यादा इसमें फुलान आएगी। बहुत ज्यादा फुलान आने की वजह से क्या होगा कि कपड़ा यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और जो 32 इंच वाला जो जब कोई इसे पहनेगा, तो यहाँ पर उसके यहाँ से आर्म होल की तरफ से, गले की तरफ से, आर्म होल की तरफ से यहाँ पर जो है स्टल बनेगी, और जो है ब्लाउज यहाँ पर कप एरिया में बिल्कुल अच्छी फिटिंग के साथ नहीं बैठेगा। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि अलग अलग चेस्ट साइज में अलग अलग चेस्ट के हिसाब से ही हमें ये डॉट लगानी है, तभी हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग का बनेगा। इसी तरीके से हम जब कटोरी वाला ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें भी हमें इस डॉट को ध्यान में रखना है कि किस चेस्ट साइज का ब्लाउज है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसमें ये डॉट लगानी है। अब मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ कि अलग अलग जो चेस्ट साइज होते हैं, हमें उसमें ये डॉट कितनी रखनी है। तो अगर आप कोई 30 से 32 इंच वाला कोई चेस्ट साइज बना रहे हैं, तो उसमें आप ये जो डॉट की ये जो चौड़ाई है, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ, ये आपको टोटल 2 इंच या 2.5 इंच भी आप रख सकते हैं। 2 से 2.5 इंच से ज्यादा आपको इसमें डॉट नहीं रखनी है, नहीं तो यहाँ पर जब आप डॉट लगाएंगे तो ये कपड़ा यहाँ पर जो है कप साइज में ज्यादा फुलान देगा। इसलिए आपको 2 से 2.5 इंच के बीच में ही आपको ये डॉट रखनी है। अब इसके बाद अगर आप कोई 34 साइज का बना रहे हैं या 36 साइज का कोई चेस्ट साइज बना रहे हैं, ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसमें आपको डॉट की जो है
लंबाई भी आपको 3 इंच ही रखनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं लंबाई भी आपको यहाँ पर 3 इंच रखनी है, 3 से 2.5 इंच मेजर रखनी है, 3 से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि लंबाई आपको 2.5 से 3 इंच ही रखनी है। और 34 और 36 चेस्ट साइज में ये जो हमारी चौड़ाई है डॉट की, यानी दोनों तरफ जो चौड़ाई है वो आप तकरीबन 2.5 इंच रख सकते हैं, या ये टोटल मिला के आपका 3 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी का चेस्ट साइज के हिसाब से हमें थोड़ा सा मेजर करना पड़ता है। अगर कोई हैवी साइज का है तो उसमें आप 3 इंच रख सकते हैं, और कोई नॉर्मल साइज का है तो आपकी ये दोनों की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ही होनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से, यानी एक से डेढ़ इंच इस तरफ, 1 से 1.5 इंच इस तरफ आपको रखना है। इस तरीके से टोटल जो है चौड़ाई वो आपको 2.5 से 3 इंच के बीच में ही रखनी है, 3 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। इसके बाद अगर कोई 36 साइज से भी ज़्यादा का है, जैसे कोई 36 से 40 है या 46 है, तो 40 से 36 के जितने भी ऊपर वाले रहेंगे, 40 वाले या 46 वाले, उसमें आपको 3 इंच डॉट रखनी है, 3। और कई बार जो है आप 3 से 3.5 इंच भी ये डॉट रख सकते हैं। अगर कोई 48 साइज का है तो उसके लिए आपको 3.5 इंच की डॉट रखनी है। लंबाई में आपको कोई चेंज नहीं करना है, लंबाई 3 इंच ही रखनी है। सिर्फ आपको यहाँ ये जो डॉट रहती है इसके जो मार्जिन को है बढ़ाना है, क्योंकि आप देखिए ज़्यादा मार्जिन लेंगे, ज़्यादा डॉट लगाएंगे, ज़्यादा बढ़ाकर, तो जब आप ये डॉट लगाएंगे तो ये ज़्यादा कपड़े को यहाँ पर जो है स्टिच करना पड़ता है, और जिससे जो है हमारे यहाँ पर जो है कप एरिया में यहाँ पर ज़्यादा फुलान आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिगनर ये गलती करते हैं अधिकतर, वो किसी भी साइज में किसी भी नाप की जो है उठाकर डॉट लगा देते हैं। 32 इंच में भी कई बार मैंने देखा है कि वो 2.5 इंच तक की यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, 3 इंच की भी लगा देते हैं, और बाद में शिकायत करते हैं कि हमने कटिंग स्टिचिंग बहुत अच्छी तरीके से की थी लेकिन उसके बाद भी हमारे जो फिटिंग है ब्लाउज की वो खराब हो गई, तो ये क्यों हुआ। तो इसका मेन कारण ये मेन डॉट ही होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जो भी आपका चेस्ट साइज है, जैसे कि मैंने आपको देखिए बताया, जो भी आपका चेस्ट साइज है उसके हिसाब से ही आपको ये डॉट लगानी है। चेस्ट साइज कम है तो डॉट कम रखिए, चेस्ट साइज ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको डॉट की जो चौड़ाई है उसको भी बढ़ा लेना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी मेरी जो आपको ब्लाउज के कटिंग स्टिचिंग और परफेक्ट ब्लाउज को बनाने में बहुत मदद करेगी। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से निर्मला फैशन वर्ल्ड को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही प्यारी प्यारी कटिंग स्टिचिंग के वीडियो पाने के लिए। और अगर आपके कोई कमेंट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके ये डॉट के बारे में कोई कमेंट है, ये जो 4x डॉट है इसमें किस तरीके से कितनी दूरी पर डॉट लगानी चाहिए ये जानना चाहते हैं, कटोरी ब्लाउज कैसे बनाते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज में क्या सीक्रेट टिप्स होते हैं परफेक्ट उसको बनाने के लिए, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो पर कमेंट करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी और उस पर वीडियो भी बनाऊंगी। फिलहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी कटिंग स्टिचिंग की जानकारी को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।